खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट में एक कर्मचारी घायल हुआ है। ड्रम की कटिंग के दौरान यह हादसा हुआ। कर्मचारियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 22 अक्टूबर भी इससे पहले ब्लास्ट हो चुका है, जिसके बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद कर्मचारियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। खबर पर जानकारी के लिए सोमनाथ हमारा सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सोमनाथ ब्लास्ट की खबर है, कैसे ब्लास्ट हुआ, अब क्या कुछ आगे इस पर, घायलों के किस तरह के हालात हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह ये मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। देखिए बता दें कि जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट लगातार होते जा रहे हैं। अभी पूर्व में 22 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय की जो फैक्ट्री है GIF ग्रे आयरन फाउंड्री के नाम से जाना जाता है, उसमें भी जोरदार धमाका हुआ जिसमें एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया है। इसमें जब ब्लास्ट हुआ है तो भगदड़ मच गई है और ये ड्रम की कटिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। तो भारतीय सेना के लिए बनने वाले जो घातक हथियार हैं उसमें यहाँ पे GIF में कलपुर्जे बनाए जाते हैं और इसमें अशोक कुमार मीणा हैं जो घायल हुए हैं, जिनका अभी OT में ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी संख्या में जबलपुर हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं, यूनियन संगठन के लोग हैं, सभी वहां पर मौजूद। और सबसे बड़ी बात खास ये है कि वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, कंधे पे ले जाके जो कर्मचारी है कंधे पे लेकर उसको बाहर गेट तक पहुंचा है। एम्बुलेंस की व्यवस्था ना होने से कुछ देरी आई है, लेकिन अभी OT में ले जाया गया है जिसकी हालत देखा जा रहा है। तो लगातार जिस तरह ये हादसे हो रहे हैं, अभी पूर्व में जो हादसे हुए थे उसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। रशियन बम में बाइलिंग के दौरान हादसा हुआ था जिसमें 11 कर्मचारी घायल हुए थे, 2 की मौत हुई थी। वहीं जो कर्मचारी जो समिति संघ संगठन के राकेश कुमार दुबे और मनोज कुमार साहू ने यही जानकारी दी है कि लगातार जो काम का लोड है वो बढ़ता जा रहा है और जिससे जो काम नहीं आ रहा है उसको दूसरे काम दिए जा रहे हैं। तो जो जिस विषय का विशेषज्ञ है, जो उसके विषय में जानता है, उसको वो कार्य दिया जाना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा लगातार दूसरे कार्य कराए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कई तरह के आरोप फैक्ट्री प्रबंधन पर लग रहे हैं। अब ऐसे में एक दोबारा से 22 अक्टूबर के बाद अब दोबारा से यह हादसा हुआ है, अब जो कर्मचारी हैं उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।